بسم الله الرحمن الرحيم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر اوكي بعد میں مرزا محمد علی رضا بی ایس سی اسلامک اسٹڈی کے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم merciful who nourishes us from his beneficence. May Allah Almighty shower his blessings to splendid light prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, who is the entire source of light, inspiration for the whole humanity, particularly the Muslim community. I am thankful to the worthy Vice Chancellor that have floated an idea to organize a series of events in Ghazi University, Dera Ghazi Khan. Our South Punjab, that's famous for cotton, cash crop, our main labor force that are not so much educated, our rural background areas persons, they work in textile mills as a foreman, they are even earning 100,000 rupees per month. But when they cotton is declined, definitely hundreds of the textile mills, either they are totally closed or they have some portion closed due to this, and unemployment, particularly in my area here, is most affected. मसलन पानी नहीं है कुछ एरिया में अवेलेबल, कुछ एरिया सरकारी नहीं है और कुछ एरिया हम छोटे होते हुए ना क्लास में पढ़ा करते थे और पढ़ते हैं, हमें पता है कि हमारी जो कॉटन है बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी पॉपुलेशन जो है ना 70% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है जो हम सारे जानते हैं, लेकिन इसमें जो इसकी ज़रात की बैकबोन है वो कॉटन है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। जैसा कि डॉक्टर इजाज़ रसूल नूर का भी बता रहे थे कि हमारा ये एक्टिविटी जो चल रही है यूनिवर्सिटी में, गाजी यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंसिंग या सेमिनार के हवाले से, ये जो न्यू फैकल्टी आई है ये सेना उन्हीं को जाता है। उनके आने से यूनिवर्सिटी में एक ऐसी बहार सी शुरू हो गई है कि सेमिनार्स और इस तरह की कॉन्फ्रेंसिस हम मुनक्किद कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, कॉटन से मुतालिक, कॉटन के प्रोडक्शन से मुतालिक। आप जैसा कि जानते हैं कॉटन जो है ये पाकिस्तान की बहुत अहम कैश क्रॉप है, बहुत अहम फसल है और इसका मेरे ख्याल में कोई 55-60% शेयर है जो ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट में इसका कंट्रीब्यूशन है, 55-60%। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप जितने भी फार्मर्स भाई हम बैठे हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट क्रॉप है, कितनी अहम फसल है। और इस साल की जो प्रोडक्शन है वो पिछले 30 सालों में सबसे कम पैदावार है, 82 से लेके आज तक किस साल की जितनी पैदावार है ये सबसे कम पैदावार जो रिकॉर्ड की गई है कॉटन की है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और दूसरी ये बात कि चूँकि अभी पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बूस्ट कर रही है, उसने कुछ 7 बिलियन का बाहर से एक्सपोर्ट के लिए फेच किया है। अब उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कॉटन या यार्न कॉटन या रॉ कॉटन नहीं है, अब उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा।
अपॉइंट किया कि रीजंस क्या है। तो इस साल का जो मैं रिपोर्ट देख रहा था 31 जनवरी तक की जो प्रोडक्शन है वो 5.5 मिलियन यानी कि 55 लाख बेल्स पैदा हुई पैदा वारम की। और 31 जनवरी की बात है, 31 जनवरी का 5.5 मिलियन बेल्स थी। और अगर लास्ट पिछले साल के साथ उसका मुवाजना किया जाए तो उस वक्त कोई 8.4 मिलियन बेल्स थी। तो ये शॉर्टफॉल जो है 2.9 मिलियन का। मैंने अपने तौर पे कुछ एनालिसिस किया, कुछ चीज़ों को देखा, तो उसमें सबसे टॉप पे जो समझ आती है वो ये है कि सीड अवेलेबल नहीं था, या जो क्वालिटी सीड जिसे कहते हैं वो अवेलेबल नहीं था, या पुराना सीड था 10 साल पुराना सीड, उसमें उसकी वायबिलिटी ख़त्म होती है, जर्मिनेशन उस तरह से वो परसेंटेज जर्मिनेशन की नहीं रहती, सीड के इशू थे, उसके बाद फर्टिलाइज़र बाकी चीज़ें मैनेजमेंट के इशूज़ थे जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कम हुई। अब इसके साथ साथ ऑफकोर्स जो क्लाइमेट कंडीशंस का बहुत अहम रोल है, जो कॉटन सोइंग के 30-40 डेज बाद के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जब फ्लावरिंग स्टेज हो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके साथ साथ अब जो फार्मर है वो देखता है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या है। तो जब पेस्टिसाइड बहुत एक्सपेंसिव हो, एप्लीकेशन और मैनेजमेंट के इश्यूज हो, तो उसने सोचा कि शिफ्ट ऑफ जो आप कॉटन से शिफ्ट कर रहे लोग बहुत सारे दूसरी क्रॉप होते हैं, उसमें शुगर केन स्पेशल शामिल है, उसमें मेज शामिल है। तो इस तरह से जो डिक्लाइन हुई एरिया के लिहाज से भी वो अभी 2.2 मिलियन हेक्टेयर की पर उसमें शो किया गया इस साल। तो मुबारकबाद आप सबको, आईटी टीम को भी। मुझे फार्मर की पेन और सबसे मुश्किल काम दुनिया में अगर कोई है तो फार्मिंग है। सबसे मुश्किल तीन काम जो है वो फार्मिंग ही है, और सबसे लेस बेनिफिट या प्रॉफिट फार्मर ही ले रहा है। अब जान फार्मर मारता है, फील्ड में फार्मर ही काम करता है, लेकिन सबसे कम और लेस बेनिफिट जो है या प्रॉफिट है वो फार्मर ले। लेकिन चलें, ये एक सदका जारिया भी है, एक जिहाद भी है। तो मैं आप सबको फार्मर्स को दोबारा वेलकम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस एक खूबसूरत जिहाद के लिए। ट्राई में बैठ के हम देखते हैं कि कॉटन के क्या क्या मसाइल हैं और कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।